Hey, hi everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you all in this series of Python. अब हम बात करने वाले हैं STR, that is string data type की. पिछली क्लास में मैंने आपको complex data type, bool data type, float data type, इन सब के छोटे छोटे जो टास्क थे वो मैंने आपको चला के बताए थे IDLE के ऊपर. अब हम बात करेंगे one of the most important data type of Python, that is STR data type, that is string data type. ठीक है, अब ये string data type और उसके बाद के जितने भी डेटा टाइप हैं, वो सारे डेटा टाइप मैं छोटी छोटी वीडियोस में कवर करूंगा, लेकिन ये सिर्फ बेसिक कवर करूंगा. ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको जब कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स लूप वगैरह चीजें पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर से मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करूंगा, जहां पे मैं इसको बहुत डिटेल में बात करूंगा. इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, तब वो हम डिटेलिंग कब कर पाएंगे, जब हमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, दुनिया भर की चीजें समझ में आ जाएंगी, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, तभी हम उसकी बात कर पाएंगे. लेकिन अभी बेसिक मैं आपको बता रहा हूं. सो ये मत समझना कि एसटीआर डेटा टाइप जो आपको समझा रहा हूं, दिस इज द एंड. ठीक है, दिस इज द स्टार्ट. मैं भी सिर्फ 10-15-20% कवर करूंगा. ठीक है, देन फिर जब इसकी फाइनल स्ट्रिंग डेटा टाइप हम पढ़ेंगे, तब हम बेसिकली बहुत हाई लेवल पे डिस्कशन करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द स्ट्रिंग डेटा टाइप, दैट इज द एसटीआर डेटा टाइप. नाउ व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है? देखिए, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज अ स्ट्रिंग. जैसे कि आप कैरेक्टर्स लिख दीजिए बहुत सारे, जैसे मैंने लिखा GAURAV, गौरव. ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रिंग. ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है. सो ये एक स्ट्रिंग है. सो स्ट्रिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए. सबसे पहले तो आप कोई भी वेरिएबल बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया एस इज इक्वल्स टू, फिर यहां पे जो भी स्ट्रिंग हमको देनी है उसको डबल कोट्स में लिखते हैं हम. आप बोलेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है दूसरी लैंग्वेज में भी डबल कोट्स में लिखते हैं, यहां पे ऐसा क्या खास है? यहां पे खास बात ये है कि हम एस इक्वल्स टू गौरव डबल कोट्स में लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू गौरव सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट भी चल जाएगा. ठीक है, एस इक्वल्स टू गौरव, ध्यान से देखिए, एस इक्वल्स टू गौरव ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं. और ट्रिपल कोट्स में भी किस टाइप से? ट्रिपल कोट्स सिंगल भी चल जाएंगे, ट्रिपल कोट्स डबल भी चल जाएंगे. मतलब कि गौरव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1, 2, 3 सिंगल कोट, 1, 2, 3 सिंगल कोट, या फिर मैं गौरव को ऐसे भी लिख सकता हूं GAURAV, तीन होकर डबल कोट. तो यहां पे देख रहे हैं आप कितने टाइप से एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. या तो आप डबल कोट लगा दीजिए तो भी हो जाएगा, सिंगल कोट लगा दीजिए तो भी चल जाएगा, ट्रिपल कोट लगा दीजिए, ट्रिपल सिंगल लगा दीजिए, ट्रिपल डबल लगा दीजिए. आप बोलेंगे सर इन सब में अंतर क्या है? सबको समझाऊंगा मैं अंतर, लेकिन अभी पहले में पता होना चाहिए स्टार्टिंग में कि हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, तो किस किस टाइप से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डबल कोट्स में भी, सिंगल कोट में भी, ट्रिपल कोट में भी. ठीक है, सब में अंतर है, थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा मैं. ठीक है, सो देखिए यहां पे जब भी आप लिखेंगे एस इक्वल्स टू, आपने कोई स्ट्रिंग लिख दी, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा टाइप ऑफ एस. ठीक है, अच्छा ये टाइप ऑफ एस करने पे वो लिखा आ जाएगा क्लास, क्या आएगा? क्लास एसटीआर, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है. अब कई लोग बोलेंगे सर हमने जब कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाया था तो ये चल गया था, लेकिन सर जब हम वो IDLE पे सर वो न्यू फाइल सेव करके जब वो बनाते हैं तो वो बनता ही नहीं है. तो देखिए टाइप ऑफ एस जो है इसको लिख देने से एसटीआर प्रिंट हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, लेकिन कुछ भी प्रिंट करना है अगर आपको IDLE पे तो आपको उसको प्रिंट फंक्शन से करना पड़ेगा. तो आप उसको टाइप ऑफ एस की जगह ऐसा लिख देना भाई कि प्रिंट टाइप ऑफ एस, है ना? तो ये हर जगह चल जाएगा, ये IDLE पे भी चल जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चल जाएगा, न्यू फाइल क्रिएट करोगे वहां से भी चल जाएगा, हर जगह चलेगा. प्रिंट टाइप ऑफ एस, सो दैट विल बी क्लास एसटीआर, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा ये. इट इज वेरी इजी. ओके, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीजों को. नाउ अब देखिए यहां पर कुछ आगे की चीजें, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा लिखना है, मुझे लिखना है पाइथन बाय गौरव सर. ठीक है, मुझे ये चीज प्रिंट करनी है. ठीक है, मुझे ये चीज प्रिंट करनी है. इसको कैसे प्रिंट करूंगा मैं? आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, आप लिख दीजिए प्रिंट. अच्छा, प्रिंट करने से पहले तो एक स्ट्रिंग में आप इसको ले लो. तो s इक्वल्स टू, इसको स्ट्रिंग में कैसे लेंगे? डबल कोट यहां लगा दिया, डबल कोट यहां लगा दिया, प्रिंट ऑफ s. तो सर वो आपका पाइथन में गौरव सर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वो प्रिंट होगा नहीं और एरर आ जाएगा उल्टा. क्यों? क्योंकि आपने डबल कोट से स्टार्ट किया और आप देखो आपका गौरव सर खुद डबल कोट में, तो ये डबल कोट यहां से शुरू और यहां पे खत्म हो गया.
समझ रहे हो ना, तो स्ट्रिंग का एंड हो गया। अब ये क्या है वो समझ ही नहीं पाएगा, समझ पा रहे हो ना आप, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखिए ये दो डबल कोट लगा दिए, अब ये डबल कोट यहां पे आपका शुरू हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मान लेगा कि यहां से ये खत्म हो गया, ये समझ ही नहीं पाएगा आगे क्या लिखा है। इन दीज पर्टिकुलर केसेस हम क्या करेंगे, या तो आप क्या करिए, एक सिंगल कोट यहां मार दीजिए, एक सिंगल कोट यहां मार दीजिए डबल कोट की जगह, तो सिंगल कोट शुरू हुआ, अब वो देखेगा सिंगल कोट कहां खत्म हो रहा है, तो सिंगल कोट यहां खत्म हुआ, तो ये पूरी चीज प्रिंट हो जाएगी। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब मुझे ऐसा प्रिंट करना होगा, पाइथन पाइथन बाय गौरव सर, ठीक है, बाय में भी मैंने क्या लगा दिया, सिंगल कोट। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या कर सकते हैं, देखिए सिंगल कोट लगाएंगे अगर अपन तो एरर आ जाएगा, क्यों, सिंगल कोट यहां शुरू हुआ यहां पर खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। डबल कोट लगाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डबल कोट शुरू हुआ ये तो एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन यहां एंड हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से आप यहां पे ट्रिपल कोट्स यूज कर लीजिए, ठीक है, एक दो तीन सिंगल, एक दो तीन सिंगल, या फिर तीन डबल और तीन डबल चल जाएगा, तीनों तीन यहां पे सिंगल कोट मार दीजिए, तीन डबल कोट, मल्टी लाइन लिखने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब कि जैसे अगर मुझे ऐसा लिखना है गौरव तिवारी, ठीक है ना, प्रिंट ऐसे लिखना है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, प्रिंट तीन, मल्टी लाइन भी चल जाएगा इससे। आप मल्टी मल्टी लाइन क्या होता है सब छोड़ दीजिए, आपके काम करनी है, आप ये समझ लीजिए ट्रिपल कोट लगा रहा हूं, मैं ट्रिपल कोट लगा रहा हूं तो ये पूरा चीज जो भी मैं लिखूंगा इसके अंदर इंक्लूज हो जाएगा और वो इजिली प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सो दिस इज हाउ आई डील विद द स्ट्रिंग्स, यहां पर पाइथन में ऐसे डील करते हैं। अगर आपको डबल कोट्स की आदत है तो सिंपल डबल कोट्स लगाइए, क्योंकि ऐसी चीजें हमें प्रिंट बहुत कम करना पड़ती है। ओके सो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क बता दे रहा हूं, आप बताइए कि इसको कैसे करूंगा मैं। लेट से मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है, मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है पाइथन इज लव, चलिए पाइथन इज लव, इस पे डबल कोट से और यहां पर सिंगल कोट से, इस पूरी चीज को प्रिंट करने के लिए क्या स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए और चला के भी देखिए कि आपका चल रहा है या नहीं। आई होप कि आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप बेसिक समझ में आया है। अब मैं बात करूंगा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर पूरे स्ट्रिंग का, दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइस ऑपरेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल पाइथन। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे और पहले चलाएंगे, जब चलेगा उसके बाद लिखेंगे, नहीं तो लिख के गलत कर दिया आपने। ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।